दोस्तों अगर आपके YouTube चैनल पर कम्युनिटी टैब का फीचर इनेबल हो गया है, लेकिन दोस्तों जब आप अपने कम्युनिटी टैब में अपने किसी वीडियो का थंबनेल पोस्ट करने के बाद उस वीडियो का लिंक भी पेस्ट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स वहां पे दिक्कत ये होता है कि फ्रेंड्स आपका थंबनेल वहां पे पूरा नहीं आ पाता है, और फ्रेंड्स आपका थंबनेल आधा ही आता है और बाकी का हिस्सा कट जाता है। या फ्रेंड्स अगर आप अपने कोई फोटो या फिर इमेज अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स वहां भी यही समस्या आती है कि आपका वो फोटो या फिर वो इमेज आपके कम्युनिटी टैब में पूरी तरीके से नहीं दिखता है और फ्रेंड्स उसका भी साइज जो है कट जाता है। तो फ्रेंड्स आपको किस तरीके से अपने वीडियो का थंबनेल या फिर अपना फोटो अपलोड करना होगा जिससे कि आपके कम्युनिटी टैब में आपका थंबनेल या फिर आपका फोटो बिल्कुल फुल साइज में आ जाए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, कम्युनिटी टैब में अपने किसी भी वीडियो का थंबनेल या फिर अपना किसी भी फोटो को पूरा दिखाने के लिए आपको उसको स्क्वायर साइज में बनाकर अपलोड करना होगा। उसके बाद ही आपका थंबनेल या फिर आपका फोटो आपके कम्युनिटी टैब में फुल साइज में आ पाएगा। सो फ्रेंड्स आप वो स्क्वायर साइज वाला पोस्ट कैसे बना सकते हैं अपने वीडियो का थंबनेल का या फिर अपने किसी फोटो या फिर इमेज का, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है पिक्सल लैब। फ्रेंड्स अगर आपके फोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो फिर ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स इस ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स आपको वो पोस्ट कैसे बनाना है इसके लिए फ्रेंड्स हमें जाना होगा पिक्सल लैब एप्लीकेशन में अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको वहां पर बताते हैं कि आपको वो पोस्ट स्क्वायर साइज में कैसे बनाना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपके फोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके फोन में पिक्सल लैब नहीं है तो फ्रेंड्स आप उसे प्ले स्टोर या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको इसे स्क्रीन पर से हटाने के लिए आपको एक बार इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको डिलीट वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है, यह आपके स्क्रीन से हट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने पोस्ट को स्क्वायर साइज में बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको ऊपर यहां इस थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां इमेज साइज पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां कस्टम के सामने वाले इस नुकीले जैसे आइकन पर क्लिक करना है। यहां से फ्रेंड्स आप स्क्वायर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने पोस्ट का कलर को सिलेक्ट कर लेना है। कलर को सिलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां कलर पर क्लिक करना है। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है उसको आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहां से ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां से ओके कर देते हैं। और फ्रेंड्स आपको यहां पर अपने उस वीडियो का थंबनेल लाना होगा जिस वीडियो के थंबनेल का आप स्क्वायर साइज पोस्ट बनाना चाहते हैं। उसके लिए आप यहां प्लस पर क्लिक करिए, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करिए, आपका थंबनेल जहां पर भी है उसको आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैंने यहां से इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां से ओके करिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने थंबनेल को इसे आपको फुल साइज में एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स आपको यहां ऊपर लिख देना है क्लिक दिस लिंक। तो फ्रेंड्स लिखने के लिए आपको यहां प्लस पर क्लिक करना है, आपको यहां टेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां ए पर क्लिक करना है, यहां आपको एडिट पर क्लिक करना है। इसको फ्रेंड्स आप यहां से कट कर दीजिए। यहां पर फ्रेंड्स आप लिख दीजिए क्लिक दिस लिंक। चलिए मैं इसे लिख देता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से एक इमोजी को सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपके वीडियो के लिंक की तरफ इशारा करता हो। तो चलिए फ्रेंड्स यहां से मैंने इस इमोजी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरीके से इसको फैला देना है। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका कलर को सिलेक्ट कर लेना है तो फ्रेंड्स कलर को सिलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा साइड आना है। उसके बाद आपको यहां कलर पर क्लिक करना है। आप जिस भी कलर में रखना चाहते हैं वो आप यहां कलर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए यहां से मैंने येलो को सिलेक्ट कर लिया, ये फ्रेंड्स येलो में हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको इसे गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहां इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है, आपको यहां एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। आपका इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करने के लिए यूट्यूब को ओपन करना है। आपको फ्रेंड्स आपको यहां प्लस पर क्लिक करना है, पोस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर क्लिक करके आप अपने उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैंने यहां से इसको सिलेक्ट कर लिया। यहां फ्रेंड्स ऊपर आप लिख दीजिए न्यू वीडियो। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं न्यू वीडियो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्पेस दे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का लिंक यहां पर पेस्ट कर देना है। चलिए मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स आपको पोस्ट करने के लिए आपको यहां पोस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यह पोस्ट आपके कम्युनिटी टैब में बिल्कुल पूरी तरीके से और फुल साइज में आ जाएगा। और फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि हमारे कम्युनिटी टैब में हमारे इस वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। यहां फ्रेंड्स कोई भी कट छट नहीं
नहीं है, ये फ्रेंड्स बिल्कुल फुल साइज में आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको अगर अपने किसी इमेज को भी आपको अगर कम्युनिटी टैब में अपलोड करना होगा तो फ्रेंड्स उसके लिए भी आपको अपने इमेज को स्क्वायर साइज में वहां पर बना लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप अपने कम्युनिटी टैब में इसे पोस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आपका पोस्ट बिल्कुल यहां पर फुल साइज में और पूरी तरीके से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने किसी भी वीडियो का थंबनेल या फिर आप अपने किसी भी फोटो या इमेज को अपने कम्युनिटी टैब में फुल साइज में अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है आप इस वीडियो से कुछ सीख सके हैं, आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।